इंडिया प्लीज वेलकम जैवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वाले द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज भाई आप सही में 23 साल के हैं जी, प्रॉपर राशन कार्ड वाली है। मतलब 23 साल के हैं, मतलब अर्थ से मून का डिस्टेंस 20 लाख किलोमीटर का, और जैवलिन के वेट को इसमें प्लस कर दे तो माय गॉड, रे 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 रेमो सर, मतलब धरती पे जितनी लड़कियां हैं सब इन पे फिदा है। मेरी मोमबत्ती कब जलेगी सर? मैं बताता हूँ तेरी मोमबत्ती कब जलेगी। तेरी मोमबत्ती तब जलेगी जब नीरज तेरी हेल्प करेगा। नीरज भाई कुछ राघव भाई, मुझे भी इसका तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जैवलिन फेंकना सिखा सकता हूँ आपको। नीरज भाई कुछ ऐसा जैवलिन फेंकवा दो कि बस वो दिल पे जाके लग जाए। नीरज मैं कहती हूँ कि एक बार आप स्टेज पे आके ना मुझे प्रपोज करके दिखा दो कि कैसे करते हैं। राघव भाई बहुत अच्छा लड़का है। नहीं ऐसे थोड़ी ना प्रपोज करते हैं, हाथ पकड़ते हैं। जैवलिन समझ के पकड़ लो नीरज, फिर वो फेंकने वाला हो जाएगा। मेरी लाइफ में तो सबसे जरूरी जैवलिन है, मुझे बाकी कुछ ना इतना अच्छा खाना बनाना आता है ना मैं टाइम दे सकता। अब मेरी लाइफ में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जैवलिन हो जाएगा ना। तीजी हाँ जी, राघव भाई बहुत अच्छे लड़के हैं और इतनी कॉमेडी करते, इतना अच्छा डांस करते हैं, इतने फनी हैं, तो प्लीज आप उनसे बात कीजिए। क्या बात है, देख लो जी, ये एक वर्ल्ड चैंपियन, ये 6 साल में ये इम्प्रेस नहीं कर पाया, अभी क्या कर रहे हैं ये बोल रहे हैं, आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो। पर 6 साल से ये कुछ नहीं कर पाया, अभी क्या कर लेगा। नीरज भाई मैं 6 साल से इसलिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को अपना करियर सेट करना था। भगवान मेरी मदद कर कुछ। नीरज भाई जब से आप गोल्ड जीते हैं लोग पागल हो गए और उन्होंने इतने सवाल गूगल से सर्च किए हैं, सर्च इंजन पूरा ब्लास्ट हो गया है, तो सर्च इंजन से हम लोग रिसर्च करके कुछ सवाल लाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि नीरज भाई उन सवालों का जवाब दें। तो ये रहे वो सवाल, एक एक करके खोलते हैं और आप जवाब देना। Why did नीरज चोपड़ा कट हिज हेयर, बताओ। मैं वहाँ पे खेल रहा था ओलंपिक से 1-2 महीना पहले, और वो बार बार आंखों पे आ रहे थे, जो ध्यान है वो बालों की तरफ ज्यादा जा रहा था, थ्रो की तरफ नहीं। मैंने बोला यार ओलंपिक्स 10 साल मेरा स्पोर्ट्स कैरियर हुआ और अभी मैं मुझे खेलने का मौका मिल रहा है, बालों ऐसी बालों की वजह से तो खराब नहीं कर रहा इसका। फिर मैंने उन्हें कटवा दिया। क्या बात है, क्या आप अपनी जैवलिन को कहाँ रखते हैं? जो मेरी जैवलिन है वो तो मेरे पास ही रखी होती है। अच्छा आपको कुछ नाम है जैवलिन का, आपने नाम रखा हुआ है? वैसे तो हम अपने भाषा में भाला बोलते हैं। भाला, हाँ, भाला। ऐसा कुछ नहीं, हिमाला शाह आज तुम्हें मैं फेंक के रहूंगा अपनी स्वीटी को। मतलब यहाँ की लड़कियाँ जो है दुनिया भर की वो आपसे अपनी कुंडलियाँ मैच करना चाह रही है। देखो कुंडली का मुझे नॉलेज तो नहीं है, पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गर्ल्स, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? जैवलिन जैसी? हाँ नहीं 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 नहीं, इतनी लंबी आगे करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं बताना चाहूंगा कि मैं खिलाड़ी हूँ, तो जैसे खिलाड़ी हो और अपने काम पे फोकस हो और रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की, तो वो चीज बहुत जरूरी है। क्या कहते हो राघव भाई? भाई अब तो कैसे भी मिल जाए, बस भैया बहुत लोग परेशान है। कुछ ऐसा दे मेरे पास दिव्य शक्ति आ जाए, कुछ तो आ गई। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, चुटकुले। लिजेल? अरे नहीं।